गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी दावत व्लॉग्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे हबी ने मुझे मतलब सरप्राइज देने वाले थे, तो वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने की वजह से मैं ये दूसरा पार्ट बना रही हूँ। तो चलो कंटिन्यू करते हैं और एंड तक बने रहिए मेरे इस वीडियो पे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम निकले बाहर गाड़ी में। सो ये रहे उनके पापा ड्राइविंग कर रहे हैं और कियांश और दिव्यांश। कियांश को हमने कहा कि पीछे बैठो, बट वो बैठ नहीं रहा था, इसलिए हम लोग चार लोग हम लोग आगे एडजस्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि कियांश सुन ही नहीं रहा था, वो पीछे बैठने के लिए मना कर रहा था। सो देखिए शाम होने वाली है, एक्चुअली हम लोग 7:30 को निकले थे, तो सोचे थे कि मंदिर जाएंगे पहले, फिर बाद में कहीं और चलते हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम लोग मंदिर नहीं जा पाए, फिर हमको टर्न लेना पड़ा। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे एक जगह पे रुके थे, यहाँ पे डिज़र्ट बहुत अच्छा मिलता है, मेरे हबी ने कहा था। तो हम लोग सोचे कि पहले थोड़ा मीठा हो जाए, फिर बाद में कहीं चलते हैं। तो देखिए कितना सुंदर व्यू था, यहाँ पे प्लांट्स और जो डेकोरेशन किए थे लाइट से, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। देखिए ट्रीज वगैरह कितना मस्त लग रहा था, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे स्वीट्स और डिज़र्ट्स और फूड वगैरह, फास्ट फूड सब मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्राउड होता है, लेकिन रमज़ान की वजह से और हम लोग थोड़े जल्दी चले गए थे, इसकी वजह से वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। एक्चुअली ये 8 बजे स्टार्ट होता है, बट हम लोग 7:30 तक वहाँ पर पहुँच गए थे। ये लड्डू गोपाल देख रहा है कहाँ पे हम लोग आ गए, इसको थोड़ा नया मतलब व्यू देख रहा था ना, तो ये साइलेंटली सब कुछ एंजॉय कर रहा था। तो मेरे पीछे वाले बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है व्यू। सो हम लोग को यहाँ पे डिज़र्ट तो कुछ मिला नहीं था, क्योंकि अभी ओपन नहीं हुआ था शॉप, तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा स्वीट्स वगैरह खा लेते। तो बाजू में ही एक शॉप थी, तो उसमें स्वीट्स वगैरह मिल रहा था, तो मेरे हस्बैंड जाके स्वीट्स लेके आए थे, तो हम लोग ने स्वीट्स से ही एंजॉय किया। सो मैं अभी आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ, कितना मस्त व्यू है, देखिए ऐसा नज़ारा मैंने पहली बार देखा था। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने बहुत सारे देखे थे, मतलब बहुत बार देखा था, बट यहाँ पे कुछ एंटिक पीस ही थे, मतलब अलग से ये ड्राई फ्रूट्स थे, मैंने कभी देखा नहीं था। जैसे कि कीवी हो गया, पीच हो गया और पाइनएप्पल, सबको ड्राई करके यहाँ पे स्टोर किए हुए थे, मतलब ड्राई फ्रूट्स को ड्राई करके ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे। तो यहाँ पर स्वीट्स हैं, ऑल टाइप के चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और सब कुछ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता, कितने सारे ड्राई फ्रूट्स थे, चॉकलेट्स थे। तो देखिए ये जो येलो कलर का है ना, वो पाइनएप्पल है ड्राई करके, फिर पीच है, फिर कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, ये पूरे और ओरिजिनल ड्राई फ्रूट्स को ड्राई करके बेच रहे थे। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ना, वो स्टोन चॉकलेट्स है। मैंने तो सोचा था कि भाई स्टोन जो डेकोरेट करते हैं ना घर में, हॉल में, वो सोचा था, बट वो चॉकलेट्स थे। सो हम लोग फाइनली निकल रहे हैं बाहर, तो अब हम लोग जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हें डिनर के लिए लेके जा रहा हूँ, तो हम लोग आ गए यहाँ पे ढाबे पे। एक्चुअली रेस्टोरेंट में जा सकते थे, बट वहाँ पे इतना मज़ा नहीं होता है, मतलब सिर्फ खा के फिर निकल जाओ, लेकिन यहाँ पे ढाबे पे क्या है, बच्चों को थोड़ा खेलने के लिए सब अच्छे से फैसिलिटीज़ रहती है। तो हम लोग आ गए दिल्ली दरबार में, तो यहाँ पे टॉयज़ भी बहुत सारे रखे थे बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत महंगा मिलता है, जैसे कि तुम लोग जैसे मार्केट में ख़रीदोगे तो उससे ज़्यादा ही रहेगा। और देखिए व्यू कितना मस्त है, पूरे लाइटिंग से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा है कि कोई दिवाली का फेस्टिवल है, बहुत सारे कलर्स लाइट्स थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ने फाइनली एक जगह पे बैठ गए, यहाँ पे कर्टन्स वाला हम लोग ने सेलेक्ट किया था, ताकि मतलब कुछ डिस्टर्ब ना रहे खाते वक्त। तो मेरे हस्बैंड मेन्यू चेक कर रहे थे ऑर्डर देने के लिए, वही ऑर्डर देते हैं हमेशा, क्योंकि मैं जो भी मंगवाती हूँ वो मेरे को पसंद ही नहीं आता है, तो जब भी कहीं पे जाती है तो ऑर्डर मेरे हस्बैंड ही देते हैं, क्योंकि मुझे कंटाल आता है ऑर्डर देने में, भाई जो है वो खा लो बस। और यहाँ पे दिव्यांश आराम से खेल रहा है,
और नीचे एक बिल्ली भी बैठी हुई थी। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पापड़ से एंजॉय किया था। पापड़ और सेजवान चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। क्यांश पूरे पापड़ से ही खा लिया है ना क्यांश? हाँ बोलो। हाँ तो अभी हम लोग यहाँ पे मंगाए पनीर टिक्का, यानी कि पनीर मंचूरियन कुछ था, लेकिन अच्छा ही लग रहा था। बट पनीर के अंदर पूरा स्वाद नहीं गया था, एकदम फीका लग रहा था, बस बाहर ही थोड़ा सा मसाला वसाला का टेस्ट आ रहा था। और हम लोग मंगाए थे हैदराबादी बिरयानी। बिरयानी उतना ख़ास नहीं था, नाम हैदराबादी बिरयानी है, बट अगर बिरयानी खाओ तो हैदराबाद का ही अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी का हम लोग को फ्लेवर पता है, तो जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो तो मिस करेंगे ही। तो हम लोग ने डिनर कर लिया, यहाँ पे रायता भी दिए थे उसके साथ, और दिव्यांश भी खेल रहा है, कियांश ने भी अच्छे से खाया है। एक्चुअली उसका पनीर टिक्का से ही पेट भर गया था, फिर भी वो टेस्ट करने के लिए ज़बरदस्ती खा रहा था, तो हम लोग ने भी सोचा कि चलो वो जितना खाए उतना खाए। तो देखे पीछे का व्यू, और बच्चों को खेलने के लिए कितने सारे वहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ थे। कियांश को गाड़ी में मतलब ड्राइविंग करना था कार में, पर वो हम लोग जब वहाँ पे पूछने गए थे तो काउंटर बंद हो गया था, क्योंकि उसका टिकट लगता है 50 रुपया या फिर 100 रुपया का, ऐसा कुछ राउंड घुमाते हैं, रिमोट कार है वो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट। सो हम लोग ने डिनर कर लिया था, और यहाँ पे एक झूला था मतलब बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए भी था, तो हम लोग फैमिली और सब लोग उसमें बैठ के एंजॉय कर रहे थे झूले को। तो हम लोग में सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनके जो पुराना घर था उसमें एक घर के अंदर झूला था, तो उनको वही मेमोरीज सब याद आ रहा था, तो वही फील करके मतलब वो एंजॉय कर रहे थे। कैसे लग रहा है आपको जर्नी? फीलिंग गुड। कैसी वाइफ मिली है? गुड। सबके लिए जॉब गुड क्या? एक्सप्लेन फॉर योर वाइफ। हेल्पफुल। हाँ हेल्पफुल मिली है, सपोर्टिव। कौन सी चीज में सपोर्ट की है? हर फील्ड में। हाँ हर फील्ड में। हर फील्ड में, यानी कि मर्द के पीछे हमेशा औरत का ही हाथ होता है। सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब टू केडी दावत व्लॉग्स। थोड़ी देर में फिर कियांश को ये सब एंजॉय करना था, तो मैंने इसको यहाँ पे एक राइडिंग करवाया है, और उसने मतलब यहाँ पे एक मिक्की माउस था उसके ऊपर भी बैठ के वो खेल रहा था। उसको एक्चुअली स्लाइडिंग करना था, बट स्लाइडिंग मैंने मना किया क्योंकि उसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे दिव्यांश और उनके पापा दोनों एंजॉय कर रहे थे। दिव्यांश को एक्चुअली नींद आ रहा था, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था झूले पर, तो एकदम से देख देख के वो एंजॉय कर रहा था। सो गाइस यही एक मेमोरेबल डे था, और उन्होंने मुझे डिनर पर लेके गए हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वो तो अलग ही मज़ा रहता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एनिवर्सरी सरप्राइज़। और देखिए बाहर कितने सारे लाइट्स के साथ मतलब डेकोरेशन किए थे, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। हम लोग तो ये लाइट्स देखकर ही अंदर चले गए थे, तो अभी फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं गाइस। सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बहुत सारा जगह है, आपकी जो गाड़ी मतलब लेके आओगे तो भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दिव्यांश भी बैठा हुआ है आगे, तो हम लोग ये दिल्ली दरबार में बहुत ही एंजॉय किए गाइस। सो आज का व्लॉग यहाँ तक ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।